गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेटी एंड पिंक। आई एम नीहा। आज मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। आज मैं वेदिक्स कस्टमाइज आयुर्वेदिक हेयर केयर प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट रियली इफेक्टिव है या नहीं है। वेदिक्स का प्रोडक्ट ऐसे कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक होके आता है एंड जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको दो लीफलेट मिलेगा। एंड जो ये पहला लीफलेट है, इसमें आपको डॉक्टर्स जो है वेदिक्स के उनके बारे में दिया हुआ है। एंड उसके बाद जो ये दूसरा लीफलेट आपको मिलता है, उसमें आपको सबसे पहले वेदिक्स में प्रोडक्ट्स जो हैं, आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है एंड उसके बारे में दिया हुआ है। उसके बाद आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में दिया हुआ है। एंड उसके बाद आपको एक वीकली प्लानर दिया है कि आपको इसको कैसे कैसे कब कब यूज करना है। तो जब आप वेदिक्स का प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, इनके साइट पे जाते हैं, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। हेयर टाइप क्या है वो पूछा जाएगा, आपका स्कैल्प कैसा है, ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है वो पूछा जाएगा, आपके टीथ कैसे हैं, आपका टंग कलर कैसा है, आपका आई साइज कैसा है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद फिर आपके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट कस्टमाइज किया जाता है। वेदिक्स का प्रोडक्ट जब आप परचेज करेंगे तो इसके तीन प्लान्स हैं। सबसे पहला, जब आप अगर आप 1 month के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आपको 1699 rupees पे करना होगा। अगर आप 3 months के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आपको 1499 rupees पर मंथ पे करना होगा। एंड अगर आप 6 month के लिए परचेज करना चाहते हैं तो आपको 999 rupees पर मंथ परचेज करना होगा। उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स आपको ऐसे सैक पाउच में मिलेंगे। इसमें आपको टोटल 3 प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले ये शैम्पू, एंड इस शैम्पू का स्मेल एकदम कोकोनट वाला स्मेल है एंड इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको वाटर में मिक्स करके थोड़ा इस प्रोडक्ट को मैंने ऑलमोस्ट फिनिश ही कर लिया है। इस प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो है ये हेयर ऑयल। मैंने इसको यूज़ किया है बट ये अभी भी बचा हुआ है, पूरा फिनिश नहीं हुआ है। एंड इसका स्मेल जड़ी बूटियों का खुशबू वैसा स्मेल है इसका। एंड उसके बाद लास्ट प्रोडक्ट जो आपको इस किट में रिसीव, इस पैकेट में रिसीव होता है वो है ये हेयर सीरम। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम वाटरी है। तो चलिए बताती हूँ मैं कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों लिया, कैसे लिया। तो सबसे पहले, जब भी मैं गूगल खोलूँ, इंस्टाग्राम खोलूँ, यूट्यूब खोलूँ, हर जगह वेदिक्स का एडवर्टीजमेंट। मैं जितनी बार फेसबुक खोलती थी, सबसे पहले मैंने वेदिक्स का एडवर्टीजमेंट फेसबुक में देखा था। बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वेदिक्स के, वो प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहे थे। तो मैं बहुत, मतलब बहुत दिनों से देख रही थी वेदिक्स का प्रोडक्ट, हर जगह एडवर्टीजमेंट। और जितना भी एडवर्टीजमेंट मैंने देखा, बहुत सारे इनफैक्ट पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट थे। एंड जब मैंने वेदिक्स का साइट खोला तो मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे इनके 3 सब्सक्रिप्शन प्लान हैं, तो बहुत कॉस्टली लगा एंड उस समय नीड भी नहीं था तो मैंने लिया नहीं। जैसे मॉनसून सीजन जैसे एंटर हुआ तो मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गए। मैं जब भी कोम करती थी हेयर, तब मेरे हेयर फॉल होते थे, जब मैं शैम्पू करती थी तब हेयर फॉल होते थे। तो मैं ऐसे ही फिर से एक बार वेदिक्स चेक कर रही थी तो मैंने देखा उस समय 25% ऑफ चल रहा था, अराउंड 1.5 to 2 महीने पहले। तो मैंने इसको ले लिया 6 month प्लान के लिए, 750 या 725 ऐसे मेरे को पड़ा। तो जब ये प्रोडक्ट आया तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस तो बहुत थे इस प्रोडक्ट से। बट सबसे पहले शैम्पू से स्टार्ट करती हूँ। मेरे को शैम्पू एकदम ही अच्छा नहीं लगा। ये इतना ड्राई शैम्पू है, अगर जिसका ड्राई हेयर है, ड्राई स्कैल्प है, उसके लिए तो एकदम ही अच्छा शैम्पू नहीं है। जब भी मेरा स्कैल्प भी ड्राई है, मेरा हेयर भी ड्राई है, मैं जब भी यहाँ पे अगर शैम्पू मैंने पोर किया है तो ये एरिया इतना उलझ जाता था, पूरा स्कैल्प को, हेयर को, सबको ड्राई करता था, कर देता था। एंड जब मैं वॉश करके हेयर निकलती थी उसके बाद मैं इसको कोम करना चाहती थी, अगर वेट हेयर में कोम कर रही हूँ तो भी हेयर ब्रेक हो रहा है, जब ड्राई करके भी हेयर कोम कर रही हूँ बालों को, फिर भी ब्रेक हो रहा है। इतना हेयर उलझ जाता था ना कि वो ब्रेक होना तो लाजमी सी बात थी। तो मेरे को इसका शैम्पू पर्सनली एकदम पसंद नहीं है। अगर जो ड्राई हेयर वाले हैं उनका स्कैल्प एंड हेयर तो पूरे तरीके से ड्राई कर देगा। मेरे को इसका हेयर ऑयल भी पसंद नहीं आया। पर्सनली मेरे को इसका हेयर ऑयल एकदम सूट नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं इसका हेयर ऑयल अप्लाई करती थी तो जब मैं हेयर मसाज कर रही हूँ तो बहुत सारे बाल हाथ में आ जाते थे, जबकि मेरे को इसको यूज़ करने से पहले सिर्फ मेरे को शैम्पू के वक्त हेयर फॉल होता था और हेयर कोम करते वक्त मैक्सिममली मेरे को हेयर कोम करते वक्त हेयर फॉल होता था।
और मैंने स्टार्टिंग में सोचा और मैंने बहुत जगह सुना भी है एंड पढ़ा भी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उसको सेटल डाउन होने में टाइम लगता है एंड पहले वो थोड़ा कोई भी चीज़ है उसको बढ़ा देता है, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन होता है। तो वही सोच के मैंने प्रॉपर 1 मंथ, इसको 1 मंथ या 1.5 महीने प्रॉपर यूज़ किया है। बट ये तीनों प्रोडक्ट में जो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगा इस तीनों प्रोडक्ट में वो है इसका हेयर सीरम, क्योंकि इससे थोड़े थोड़े बेबी हेयर्स मेरे आना स्टार्ट हो गए थे। मेरा जो ये वाला पार्ट है, ये वाला कॉर्नर जो है, वो मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा एम्प्टी एम्प्टी दिखता था, बट अभी आप देखोगे बहुत सारे छोटे छोटे बेबी हेयर्स है यहाँ पे। मैं अगर मेरे को ओल्ड पिक्चर्स मिलेगा मेरा तो मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे, बहुत सारे बेबी हेयर्स आ गए हैं। बट फॉर 999 रुपीज़ बस ये सेरम, इट्स नॉट वर्थ एट ऑल। एंड मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट सूट कर रहा होगा उनको, इसलिए वो पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं, बट पर्सनली मेरे को ये प्रोडक्ट सूट नहीं किया एंड मेरे लिए तो एकदम ही वर्थ बाइंग नहीं रहा, मैंने टोटली अपना 750 रुपीज़ वेस्ट कर लिया। That's all for today's video. Hoping so, आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन टू गेट रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ मोर सच वीडियोज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।